Please mute yourselves. Can you guys hear me? Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. Okay, so let's start. Is it being recorded? Inability to listen to others. Active listening is an important aspect of effective communication. You cannot engage with someone if you're not listening to them, because you will tend to make assumptions about their need based on your perceptions versus reality. ठीक है जी, तो this what we were discussing in the last session and we kind of did it in a very detailed. So अगर आपकी active listening skills अच्छी नहीं हैं तो भी आपकी communication में एक barrier आ जाएगा. सही, कोई questions आप लोगों ने करना हो regarding anything from the previous classes and this classes, do you can ask? No ma'am. Okay, theek hai. So hum phir apne perception ke hisab se logon ki baaton ko assume karke bhi baat kar sakte hain, jo ki zahir si baat hai sahi baat to aapke paas aayegi nahi aur misunderstandings create hongi jab aap sahi tarah se kisi ki baat ko nahi sunenge. साथ आपका ध्यान कहीं और है या आपने बस अपनी तरफ से जो है वो सोचा हुआ है कि एक सर्टेन जेंडर्स जो होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं या विमेन होती हैं, तो उनकी बातों को भी आप अपने परसेप्शंस के हिसाब से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, अहमियत नहीं देते, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाता है. फिर आप इस लिहाज से भी अपने जहन में जिस जो भी आपने किसी के किसी के बारे में अपने ख्यालात बनाए हुए होते हैं, उस वजह से भी आप किसी की बात को इतना ध्यान नहीं देते. ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि आप सुन तो रहे होते हैं लेकिन उसको
अहमियत नहीं दे रहे होते, उसके आइडियाज़ को अहमियत नहीं दे रहे होते, उसकी कही हुई बात को अहमियत नहीं दे रहे होते, क्योंकि आपके अपने बैकग्राउंड में उसके बारे में कोई भी परसेप्शंस होंगे, कोई भी ख्यालात होंगे जिनकी बुनियाद पे आप उसको ऑलरेडी जज कर रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर दैट वी फेस. इज इट बींग रिकॉर्डेड? प्लीज देख के बता दें. कैन यू गाइस सी? यस मैम. ओके. कम्युनिकेशन स्टाइल्स व्हेन दे डिफर. हमने कम्युनिकेशन स्टाइल्स पढ़े थे, कुछ याद है किसी को क्या है कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड मैनर्स? जल्दी जल्दी बताइए. कम्युनिकेशन स्टाइल्स हम लोगों ने पढ़े थे, किसी को कुछ याद है? मैविश आप बताएंगे? मैम एग्रेसिव, नॉन वर्बल और एग्रेसिव. जी जी वेरी गुड. और असर्टिव. वेरी गुड. एंड उसके बाद सही है, पैसिव भी हैं और सबमिसिव भी हैं. ठीक है, वेरी गुड मैविश एंड अदनान. और आपको कुछ मालूम है कि अग्रेसिव वाले कौन से थे? तो बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा सबसे मुश्किल जो होता है वो पैसिव सबमिसिव होता है स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. अग्रेसिव में क्या आता है, कुछ याद है किसी को? जोहर बताओ. यू गाइस कैन राइट इन चैट एज वेल. जी अदनान बोलिए, आप कहना चाह रहे थे कुछ? मैम एंगर आता है. एंगर. सही सही, वेरी गुड. कुछ लोग गो के व्हाट हैपन इज हियर, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो ये भी इस तरह से स्टाइल्स भी बैरियर के तौर पे आ जाते हैं. एवरीवन हैज़ देयर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल. सम पीपल आर वेरी डायरेक्ट व्हाइल अदर्स प्रिफर अ मोर इनडायरेक्ट अप्रोच. सम यूज डिटेल डेटा. नेथन म्यूट योर माइक. Some people are very direct while others prefer a more indirect approach. Some use detailed data while others relies on a generalities and so forth. Occasionally one person is so entrenched in their way of communicating they find it difficult to communicate with others who rely on a different style. You might hear comments such as Mary never explains what she wants me to do, she never और बिल गेट सो केयरलेस एंड एवरीथिंग इज अ जोक टू हिम. ठीक है जी. अब हमने जब स्टाइल्स पढ़े थे तो उसमें हमारे पास थे कुछ पैसिव्स, असर्टिव्स, अग्रेसिव स्टाइल्स. दीज स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा लाउड होके बात करते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. ठीक. कुछ लोग बहुत ही धीमे मिजाज के होते हैं. ठीक. वो इस तरह से बातचीत करते हैं. कुछ सबमिसिव होते हैं, सबमिसिव वैसे कि वो आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बातों को की तो कोई अहमियत ही नहीं है. ठीक है. तो दीज स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स अ बैरियर एज वेल. अब वो कैसे बैरियर हो गया कि जैसे हमने ये बात डिस्कस की है, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक शख्स बात बात पे गुस्सा हो जाए या बात बात पे इरिटेट हो जाए तो आप उससे बात करना पसंद करेंगे? नो मैम. क्योंकि हमें डर लगेगा कि पता नहीं क्या, अगर हम कोई बात करते हैं तो ये बंदा जो है वो आगे से गुस्सा कर लेगा. ही विल बिकम एंग्री और ही विल बिकम इरिटेटेड विद आवर स्पीकिंग और व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू कन्वे टू हिम.
सो इट बिकम्स अ बैरियर टू अस. ठीक. फिर कुछ लोग जो होते हैं जो अपने आप में ये सोचते हैं कि भाई उनके बड़े वो मैनिपुलेटिव तरीके के होते हैं, उनके दिल में कुछ और होता है और वो पोर्ट्रे कुछ और कर रहे होते हैं. तो उसमें भी आपको नहीं समझ में आता कि अगर ये शख्स मुझे जो बात बता रहा है, आया ये सही है या गलत है. ठीक है, आया ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है, कंपनी की फ़ायदे की बात कर रहा है, या जनरली ये मुझे परेशान करना चाहता है या मुझे फंसाना चाहता है. एक ये चीज़ भी आपके जहन में आ जाती है. कुछ लोग बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं होते, ये भी उनका मैनर होता है कम्युनिकेशन का कि तुम जो कुछ कर रहे हो अपने बलबूते पे करना, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ. भाई हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं या एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो फिर हर चीज़ मेरे पे क्यों आ रही है? जब मुझे खुद ही सारा काम करना है तो मैं आपसे फिर क्यों कम्युनिकेट करूं, या मैं आपसे क्यों कहूं कि आप मेरे इस ग्रुप के मेंबर हो तो ये वाला काम आप करेंगे, वो वाला काम आप करेंगे. जैसे हम ग्रुप को असाइन कर देते हैं टास्क, और इन दी एंड वो उनमें से कुछ मेंबर होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं होते, तो जाहिर सी बात है फिर मसला क्रिएट हो जाता है. चलिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तो चलें आप इस चीज़ में आप कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वर्क प्लेस में अगर कोई बंदा आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है वर्क प्लेस में अगर कोई शख्स आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे. आप अपना काम जब नहीं कर पाएंगे तो जो भी आपको डेडलाइन दी हुई होगी उसमें आप सफ़र करेंगे, और आप जो है वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे तो आपके काम का खर्च होगा. अब कुछ लोग होते हैं उनका, जैसे मैंने भी बताया कि आके आपको मैसेज तो दे देंगे, ठीक है, दे विल कम. पैसिव अग्रेसिव जो होते हैं, पैसिव अग्रेसिव जिनका मैनर ऑफ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, दे विल कम टू यू के भाई मैनेजर ने या बॉस ने मुझे ये कहा तुम्हें ये करना है, ठीक है, बस करना है, कैसे करना है, किस वक्त तक करना है, किस तरीके से करना है, वो नहीं बताएंगे. और बाज़ तो ये भी नहीं बताएंगे कि करना क्या है. तो इस तरह का भी कुछ लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल होता है उनके अपने, हमने उनको डिटेल में पढ़ा हुआ, यू कैन गो बैक टू दैट लेक्चर एंड गो थ्रू इट अगेन. तो ये एक हो गया. दूसरा ये हो गया कि कुछ लोगों का, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एटीट्यूड बड़ा केयरलेस होता है, ठीक है, हर टाइम हंसी मजाक करना. तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, कुछ आइडिया? मैम उनके जैसा बन के केयरलेस कैसे उनके जैसा बन के केयरलेस? तो काम होगा फिर, कंपनी डूब जाएगी और क्या। ये कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा केयरलेस है आपके पास काम करने वाला इंसान आपके साथ, तो आप उनके साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई उसके लिए तो हर चीज़ ही मजाक है. ठीक है, तो आप या तो कोशिश करेंगे कि उस बंदे तक तो काम आपका जाए ही नहीं, यू डोंट इंक्लूड दैट पर्सन, बस उसके वो काम हो जो जिस पे आप उसके सर पे खड़े हुए कोई काम करवा लें तो करवा लें, लेकिन अगर आपने उसको कोई काम दे दिया कि जाओ घर से ये काम करके आना, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही कहेगा यार होता है, देखा जाएगा, हो जाएगा. ये जुमले सुनने को मिलते हैं ना अक्सर अपने फ्रेंड्स से, जी मैम खास तौर पे जब ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, तो आप अगर ग्रुप लीडर होते हैं तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स को कह रहे होते हैं कि डेडलाइन करीब आ रही है, तो उनमें से कोई एक ऐसा मेंबर जरूर होता है. क्या फर्क पड़ता है, फेल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कभी मैम लीडर भी ऐसा होता है। अच्छा, लीडर भी ऐसा होता है. ओके, फिर तो वो लीडर नहीं होना चाहिए ना, फिर लीडर चेंज करें. जी मैम अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, तो खैर अल्लाह रहम करे. तो ये कि फिर हमें लीडर चेंज करने पड़ते हैं, या फिर हम लोगों में खुद ही जो है वो एक लीडर हो जाता है बेचारा, नाम नहीं होता उसका लेकिन वो सारा काम करता है और आप लोगों के प्रोजेक्ट्स और ग्रुप्स असाइनमेंट्स जो होती हैं वो किसी तरह से पार लगवा देता है. ठीक,
तो वही बात इस वाली स्लाइड में उन्होंने की है कि कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो आपका जो है वो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। कि अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच होती है उनके अंदर, कुछ लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं। डायरेक्ट वाली ये बात है, मैं आई, मैंने आपको बता दिया कि आपने ये काम करना है, यूँ करना है, और इस तरह से करके इस टाइम पे आपने ख़त्म कर दिया। कुछ लोग होते हैं वो जो हम जैसे कहते हैं ना, बहुत लंबा खींचने वाली बात है, ठीक है, उसको इस तरह से भी खींचते हैं, इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं, किसी के ज़रिए बता रहे हैं, कुछ सही तरह से नहीं समझा रहे कि आपका काम कैसे होना है कैसे नहीं होना। तो ये भी बड़ी क्रिएट करता है मसला। फिर कुछ लोग जो होते हैं, जो जाहिर सी बात है डायरेक्ट अप्रोच वाले होते हैं, और जब वो आपको बताते हैं कि आपने डायरेक्ट ये काम करना है, तो उसके साथ साथ वो अपने साथ डेटा भी लाते हैं, फैक्ट्स भी लाते हैं। वो आपको बताएंगे कि ये काम ऐसे होगा, इसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, ये चीज़ें, इवन ये भी बताएंगे आपको कि ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी और कहाँ से आपने लानी है और कहाँ से आपने इनको अपने पास इंक्लूड करके काम करना है। कुछ लोग होते हैं कि जैसा चल रहा है चलना है, तो हमें काम कंप्लीट ही तो करना है, कर लेंगे वाला एटीट्यूड होता है। ठीक, और कोई आपके पास एग्जांपल हो इस लिहाज से? कुछ लोगों में ये भी मसला होता है कि वो लोग किसी और के कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाते, ये भी मसला हो जाता है। अब एक शख्स है जिसका कम्युनिकेशन स्टाइल है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा वो डोमिनेंट और या कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी का है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उस बंदे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बैरियर बन जाता है आपका, क्योंकि आपको कंफर्टेबिलिटी है उन लोगों से बात करने की कि जो आप पे दोबारा गुस्सा नहीं करते या आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक, जी मैम, आप से कभी कोई इस किस्म की सिचुएशन में आया है कि आप लोगों को कभी किसी ने कहा हो कि भाई ये शख्स जो है वो कोई हो जिनको बहुत गुस्सा आता हो, और आपसे कहा जाए कि जाएं आप जाके उनसे ये वाली बात करें या उनसे ये वाला आइडिया डिस्कस करें, ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में कभी किसी भी स्टूडेंट के साथ? नेथन, यू वर्क राइट? सो हाउ डू यू अप्रोच योर बॉस एंड यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स विद हिम? नेथन, ओके, आप में से कोई और कोई कहीं काम करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो फिर आप लोग अपने बॉस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? किसी के पास कोई एग्जांपल है इस चीज़ का? ओके, ठीक,
Now we'll come to the personal barriers. Personal barriers relate to the factors that are personal to a sender and a receiver and act as a hindrance in the communication process. These factors include the life experiences, emotions, attitude, behavior that hinders the ability of a person to communicate. ठीक है, पर्सनल बैरियर्स ये होते हैं जो आपके ज़ाती बैरियर्स होते हैं कि आपकी किसी भी वजह से कोई भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस हो गया है, कोई भी आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं, एटीट्यूड आपके बीच में आ रहा है, आपका बिहेवियर जो है वो इस तरह से इसके दरमियान जो एक है एक बैरियर बन रहा है आपकी कम्युनिकेशन करने के. हाउ वुड यू कम्युनिकेट? These things get affected by your life experience, your emotions, your attitudes, your behaviors. ठीक. It also hinders with the receiver. Receiver के क्या emotions, life experience, attitude और behavior हैं वो भी एक personal barriers में आते हैं जो आपको Why this meeting is ending in 10 minutes? Just started. मैम 3:30 से स्टार्ट हुई है. तो ये फिर ये क्यों बंद हो रही है? 3:30 में भी 10 मिनट ही है ना, 40 मिनट कहते हैं. सही. ठीक. आप यूँ लगता है कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशंस वगैरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्ट करते हैं? जल्दी बताइए. मैम क्या है? आपकी लाइफ एक्सपीरियंस, आपके इमोशंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्ट करते हैं? Yes, ma'am. कैसे करते हैं, अगर थोड़ा सा एग्जांपल हो तो? मैम जैसे अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं हो कम्युनिकेशन में, जिंदगी में सारी जिंदगी उसने नहीं की हो, तो फिर जब वो ऐसी जगह पे जाएगा तो फिर उसको ये बैरियर बन जाएगा उसके लिए. सही. गुड. और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? Most common personal barriers are, उनमें से number one है lack of listening skills. The efficiency of communication process get disturbed when the receiver listens only with the ears but do not apply his mind. Often the receiver listens what he wants to listen and give no attention to other aspect of the information, thereby acting as a hindrance to the effective communication. सबसे बड़ी जो हमारी listening skills का जो हमारे अंदर कमी पाई जाती है active listening skills की, वो हमारा सबसे बड़ा barrier बनता है. Sender या receiver, sender का तो इसमें नहीं है इतना बड़ा काम, लेकिन जब वो receiver बनता है तो तब भी ये बात आ जाती है. When the communication cycle completes, तो what happen is that के कि रिसीवर सिर्फ वही सुनना चाह रहा है जो वो सुनना चाहता है, यानी वो सिर्फ सुन रहा है, वो अपने माइंड को उसमें अप्लाई नहीं कर रहा, मतलब ही इज़ नॉट गिविंग यू दैट अटेंशन. वी टॉक टू पीपल और हम बोलते रहते हैं और वो उसका कुछ जवाब नहीं देते, बिकॉज़ उनका माइंड कहीं और होता है, उनका ध्यान कहीं और होता है.
तो वो आपका जवाब नहीं दे पाते हैं। जब वो आपका जवाब नहीं दे पाते हैं तो द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज लॉस्ट। आपने एक बंदे को बोला कि बॉस कह रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, ब्लू फाइल का काम करना है और रेड फाइल से तुम्हें ये डेटा मिलेगा, वो कह के चला गया, आपने सुन लिया, आपने ये ध्यान, अगर आपने सही काम करना होगा तो आपको क्या चीज़ आनी चाहिए इस एग्जाम्पल में से जो मैंने अभी बताई है आपको? मैम रिपीट करें। एक शख्स आता है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास बॉस आते हैं या मैनेजर आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आपने ब्लू फाइल का काम ख़त्म करना है, आपको रेड फाइल से मदद मिलेगी, तो मैं किस तरह से एक्टिव अफेक्टिव लिसनर बनूंगी? मैम पूरा कंसंट्रेट उनकी तरफ करके तो मेरे को क्या ध्यान में रखना चाहिएगा इस चीज के लिए? मैम रेड और ब्लू फाइल ख्याल करना चाहिए पहले। मैम जी प्रीतम क्या कह रहे हैं आप? रेड फाइल जो उसने बताई है बॉस ने उसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो ब्लू फाइल है उसको पढ़ना चाहिए, और दोनों के जो बीच में निकट है उससे सोच के। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अदनान भी सही कह रहे हैं, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरा काम खराब कैसे होगा, कोई बता सकता है? मैम ऐसे क्या आप पहले जो आपको दी हुई है कि आप उससे हेल्प लो रेड फाइल से, आप अगर उससे मदद नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट जरा मैं आ रही हूँ। मैम मेरी तो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इसको एक्टिवली नहीं सुनती तो मैं काम कर लूँगी, काम मैं क्या करूँगी कि मैं सिर्फ ब्लू फाइल का काम कर लेती हूँ और रेड फाइल का काम नहीं करती, तो मेरा काम सही होगा? बिल्कुल, मेरा काम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो हुआ ये है कि जब मुझे बॉस आके ये कह रहा था कि आपने ब्लू का फाइल का काम करना है जिससे आपको रेड फाइल से हेल्प मिलेगी, यहाँ तो मैंने आपको बकायदा स्पेसिफिकली बता दिया कि एक ब्लू रंग की फाइल है, एक रेड रंग की फाइल है, लेकिन होता क्या है कि आजकल तो ब्लू और रेड रंग की फाइल्स नहीं होती, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड काम हो रहा होता है आपका, तो वो अक्सर आपको कोई हिंट दे देंगे, इसमें बकायदा आपको ये नहीं बताएंगे कि ये ब्लू रंग का कवर होगा या रेड रंग का कवर होगा, वो आपको ये कहेंगे कि 21 अप्रैल की फाइल से आपको जो है वो 4th मई 2020 की
की फाइल्स का रिलेशनशिप है। तो अगर आप ये चीज़ें ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। अब हुआ ये कि मैंने सिर्फ ये भाई काम मुझे करना है, मैंने ब्लू फाइल को सोच लिया अपने दिमाग में, बस इसको ख़त्म करके 5 बजे जाके मैंने बॉस के सामने रख दी और मैंने उनको बताया कि जी बॉस काम हो गया। काम तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली काम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बॉस जो है वो गुस्सा करेंगे, वो तो उस वक्त देखेंगे भी नहीं, उन्होंने कहा भाई मैंने तो बता दिया था। वो चले गए घर, दूसरे दिन आप आते हैं, आपके काम से खराबियां जो है वो बहुत सारी पैदा हो चुकी। तो बात यही आई कि मैं जो सुनना चाह रही थी वो मैंने सुना। मेरा ध्यान यही था कि भाई बॉस आके मुझे सिर्फ काम का ही तो बोलेगा और वो ब्लू फाइल का है जो मैं 5 बजे तक कर लूँगी, लेकिन उसने बीच में ये भी तो बोला कि इसमें मदद आपको मिलेगी रेड फाइल से, जो कि मैंने नहीं सुना। कैन यू गाइस हियर मी राइट?